अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये इतने दाग धब्बे हैं, तुम इनका कुछ करती क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है शिल्पा के चेहरे पर ना एक भी दाग धब्बा नहीं है। उसकी स्किन ना बहुत सॉफ्ट है और स्मूथ है, कितनी सुंदर लगती है वो। सबका स्किन टेक्सचर ना अलग होता है, और ये वैसे भी डेली स्किन रूटीन पे डिपेंड करता है। फिर भी तुम्हें पता है तुम कैसे रहती हो? वो अपना घिसा पिटा सा पुराना सा सूट पहन लेती हो, या फिर ये लूज से कपड़े पहन लेती हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कभी मुझे भी तुम कोई अच्छी सी साड़ी, कोई अच्छा सा सूट पहन के दिखाया करो। ये घिसे पिटे पुराने से कपड़े पहन कर आ जाती हो मेरे सामने। मुझे लूज कपड़े पहनना ना पसंद है, और मैं कंफर्टेबल भी फील करती हूँ इन कपड़ों में, और घर के सारे काम भी आराम से कर लेती हूँ। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। बोला तो मैंने तुम्हें ये भी था कि तुम कुछ खाया करो, मम्मी से बोलकर अपने लिए लड्डू बनवा लो, थोड़ी मोटी हो जाओगी। पर नहीं, करनी तो तुम्हें अपने मन की है। ऐसे भी ना कोई मोटा नहीं हो जाता, समझे? अपने पर पूरा ध्यान देती हूँ मैं, करती हूँ पूरी कोशिश, नहीं लग पाता मेरी बॉडी को, और वैसे भी ना जेनेटिक्स है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम मेकअप क्यों नहीं करती? वो तो कर सकती हो ना तुम, वो तो जेनेटिक्स नहीं है। क्या करूँ मैं मेकअप करके, सारा दिन तो घर में ही रहती हूँ, और वैसे भी मेकअप करने से ना स्किन खराब होती है। अच्छा अभी तो बहुत अच्छी स्किन है तुम्हारी। एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं सुंदर नहीं दिखती? और वैसे भी ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे हर पति यही प्रॉब्लम है, उन्हें अपनी वाइफ से ज्यादा ना दूसरे की वाइफ बहुत खूबसूरत दिखती है। ये ऐसी है, ये वैसी है, ये गोरी है, ये इतनी खूबसूरत है, ये पहन रही है, वो पहन रही है ना, यही दिक्कत है ना तुम्हारी। नहीं हो पाती हूँ मैं मोटी, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। नहीं हूँ मैं सुंदर, इसमें ऊपर वाले की गलती है जो उसने मुझे ऐसा रंग रूप दिया। और तुम खुद को 30 मार खा समझते हो क्या? तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम में तो कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती है ना। मैं भी बोल सकती हूँ, मोनू जी को देखो, वो अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखते हैं, हर दिन उन्हें कोई गिफ्ट लाके देते रहते हैं, उन्हें घुमाने लेके जाते हैं। तुम क्या करते हो मेरे लिए? बोलो क्या करते हो तुम? तुम कैसे बोलोगे? तुमने तो आज तक मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। दो बच्चों को संभालती हूँ और मैं अपने लिए करती क्या हूँ? ठीक है, तुम्हारे लिए सुबह के खाना कौन बनाता है? तुम्हारे लिए सुबह के कपड़े कौन निकालता है? तुम बच्चों को रेडी करना, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब कौन तुम करके जाते हो क्या? ठीक है, तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारी सारी बात मानू जैसे अब तक मान गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगी, अच्छे से रेडी होके रहूंगी, मेकअप भी करूंगी, जैसे तुम बोलोगे ना वैसे रहूंगी, लेकिन तुम सबसे पहले मेरी केयर तो करो। गुनगुन, गुनगुन, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि सारी गलती तो मेरी है, मैं ही तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हें टाइम नहीं देता, तुम्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाता, और मैं कितना पागल हूँ जो मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से कंपेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ गुनगुन, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आगे से मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है।